पर्यटन नगरी खजुराहो में लगे कर्फ्यू के दौरान 9 मार्च को भाजपा नेता योगेंद्र सिंह चंदेल के साथ पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। इस विषय को लेकर एसडीओपी खजुराहो ने बताया कि जब योगेंद्र सिंह चंदेल अपने वाहन से निकल रहे थे तब उन्हें रोका गया और उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने इसमें पुलिस का असहयोग करते हुए अभद्रता की एवं साथ ही एसडीओपी व टीआई के साथ भी उन्होंने अभद्रता की। इसके पूर्व उन्हें कई बार हिदायत भी दी गई कि वे अपना ये समाज सेवा का कार्य समय समय से करें एवं अपने वाहन में निर्धारित लोगों को ही बैठाएं, जबकि उनकी गाड़ी में काफ़ी लोग बैठे हुए थे। इन सब विषय को लेकर के जब उनके साथ ये बातचीत की गई तो वे भड़क गए और अभद्रता में उतर आए, जिसको लेकर के उनके साथ कार्रवाई की गई। वहीं भाजपा नेता योगेंद्र सिंह चंदेल का कहना है कि उन्होंने पुलिस का ना तो कभी कोई असहयोग किया है और ना ही अभद्रता की, बल्कि बड़े ही सहृदयता के साथ बातचीत की और वह समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर भोजन वितरण का कार्य लंबे समय से कर रहे थे। राशन रोज मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं। उस दिन भी मैं खाना देने बालाजी धर्मशाला गया था, जहां पर प्रशासन के द्वारा क्वारंटाइन किए गए लोग बैठे हुए हैं, उनको भी भोजन मैं ही करा रहा हूं। उनको जब मैं भोजन दे के लौटा तो वहाँ उनके जो आरक्षक तैनात थे उनका फ़ोन आया कि भाई साहब हमारे पास 20 पूड़ियाँ कम पड़ गईं। तो मैं घर से वापस गया उनको पूड़ियाँ देने और जब मैं लौटा तो गांधी चौराहे पे पुलिस के एक आरक्षक ने मुझे रोका। मैं रुका उनके रुकने पे और जब उनने मुझे देखा तो उन्होंने कहा अच्छा भाई साहब आप हैं तो ठीक है आप जाइए, क्योंकि वो मुझे रोज़ खाना बांटते देखते हैं। उसी समय वहाँ एसडीओपी साहब भी खड़े थे, वो मेरे तरफ आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप आरक्षक से बदतमीजी कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई भी बात ये सत्य नहीं है। उस समय जब उन्होंने मुझे रोका तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बार बार यहाँ से निकल रहे हैं और आप बदतमीजी भी कर रहे हैं। मैंने कहा सर क्वारंटाइन जो यहाँ पर लोग किए गए हैं प्रशासन के द्वारा, मैं उनको खाना देने गया था। तो इतने में वो आग बबूला हो गए, बोले आप जो है बदतमीजी कर रहे हैं और आप खाना खिला के कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हम पे। प्रशासन सक्षम है खिलाने में, हमने नहीं बोला है आपसे कि आप खाना खिलाइए। और इतना कहने के बाद उन्होंने आरक्षक जो वहाँ पे थे सलीम खान, उनको बोला कि आप इनकी गाड़ी लेके जाइए थाने और इन पे FIR दर्ज कीजिए और इनकी गाड़ी जब्त कीजिए। अब इसमें मुझे ये समझ नहीं आता है कि कहाँ पर मैंने उनके साथ बदसलूकी की है, कहाँ पर मेरा एटीट्यूड उनके खिलाफ हो गया। चौराहे का मामला है, गांधी चौराहे में हमारी पूरी टीम लगी हुई थी, तो ये काले रंग की गाड़ी है वो वहाँ से बार बार निकल रही थी। उसको बार बार समझाइश दी जा रही थी कि अनावश्यक रूप से आप ना निकलें, कर्फ्यू का अक्षर से पालन करें, परंतु 7:30-8 के आसपास वो गाड़ी पूरे निकली और फिर हमारे कांस्टेबल के द्वारा जब वो गाड़ी को रुकवाई गई तो उन्होंने उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। मैं वहाँ पर मौके पर तत्काल था, मैंने जाके उनसे बातचीत की तो उन्होंने मुझसे भी अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया और फिर उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि आप जो आप लोग ये कर रहे हैं आप लोगों कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनको समझाने का प्रयास किया कि भाई आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं, आप कर्फ्यू के नियमों का अगर उल्लंघन करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो वो नहीं माने। उसके बाद फिर मैंने एसडीएम सर से बात की इस विषय में और उसके उपरांत उन पर 188 और फिर 353 फिर 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। तो क्या गाड़ी जब्त कर ली गई? गाड़ी जब्त कर ली गई है। कौन सी गाड़ी? काले कलर की गाड़ी है, चार पहिया गाड़ी है, चार पहिया वाहन है, चार पहिया। तो क्या उनके पास आदेश नहीं था इस संदर्भ में? समाज सेवा जो कर रहे थे वो, तो क्या उनके पास ये भोजन वितरण करने का नगर परिषद उस गाड़ी में लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑन ड्यूटी, तो उसकी पात्रता गवर्नमेंट ऑन ड्यूटी की पात्रता किसी को नहीं है। उनके पास जरूर आदेश रहा होगा CMO का, पर वो वैध आदेश इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो खजुराहो सीमा के अंतर्गत भोजन वितरित कर रहे थे, परंतु हमने उनको परमिशन दी हुई थी, वो घूम रहे थे, परंतु उनको ये बार बार चेतावनी दी जा रही थी कि अनावश्यक ना घूमें। यह विषय राजनीतिक गलियारे में भी काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। पर्यटन नगरी खजुराहो में लगे इस कर्फ्यू के दौरान इन दिनों समाज सेवियों के द्वारा निरंतर भोजन वितरण एवं सूखी खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। इन सभी को लेकर SDOP का कहना है कि यह सब अपना कार्य निर्धारित समय पर करें तो बेहतर होगा। खजुराहो से राजीव शुक्ला की यह विशेष रिपोर्ट।